पड़ रहा है। और इस मुआशी बहरान का वजह इमरान खान है, इमरान खान की हुकूमत है जिसने खुद ब खुद पाकिस्तान में IMF डील में एंटर होने से पहले हमें एक महंगाई की सुनामी में डुबा दिया और वो महंगाई की सुनामी भरता जा रहा है। PTI IMF का जो डील किया गया है उसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, तारीखी बेरोज़गारी का सामना कर रहा है और जिस शरह पे जिस रेट पे हमारा मीशत आज चल रहा है, माजी में किसी भी वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना कम नहीं रहा है। और हम समझते हैं कि 3 साल में ये हुकूमत ने 2 वज़ीर ख़जाना चेंज किया है लेकिन पॉलिसी वही रहा है। पॉलिसी क्या रहा है कि अमीरों को रिलीफ पहुंचाना है और गरीबों को तकलीफ़ पहुंचाना है। आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो आपका बिजली के बिल हो, गैस का बिल हो, खाने पीने के अशिया का बिल हो, मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की बिल में इजाफा करता जा रहा है, पेट्रोल में इजाफा करता जा रहा है। और जब इन बुनियादी चीज़ों में हुकूमत की तरफ से इजाफा होता तो फिर पूरे मुल्क में महंगाई एक आग की तरह फैल जाता है और हर कमोडिटी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। साथ साथ हमने ये देखा कि हुकूमत अपने ही इदारे IMF के हवाले कर रहे हैं जो स्टेट बैंक के लिए एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस निकाला गया है जो हमारा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी छीनता है, जो आपका स्टेट बैंक को पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तान की कानून का आंसबल फिर नहीं होगा। इस ऑर्डिनेंस के बाद पाकिस्तान का स्टेट बैंक ना पाकिस्तान का पार्लियामेंट ना पाकिस्तान का जुडिशरी से अकाउंटेबल होगा। वो सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पे चलेगा। और अगर पाकिस्तान का अपना ही स्टेट बैंक सिर्फ IMF के कहने पे चलेगा तो ये पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे एक तारीखी हमला होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करना चाहता है। हम ना सिर्फ पार्लियामान में चैलेंज करना चाहते हैं मगर हम समझते हैं कि ये इतना इलीगल है, ये इतना गलत है कि हमें अदालत में भी चैलेंज करना चाहिए। और हुकूमत हर वो हद का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो ज़बरदस्ती अपना जो मुआशी पॉलिसीज़ है वो ज़बरदस्ती मुसलत करे। एक ये ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक का हुआ है, सुना है फिर वो बाकी मुआशी फैसले भी ऑर्डिनेंस के थ्रू करवाना चाहते हैं। और ये ना सिर्फ आपका मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला होगा, ये पार्लियामान पे एक हमला होगा। इसलिए इस मुल्क के मुआशी फैसले सिर्फ और सिर्फ आपके पार्लियामान के थ्रू होना चाहिए। नेशनल असम्बली के पास पावर है कि वो पास ना करे, उससे ऑर्डिनेंस से मनी भी पास कर शुरू कर तो फिर आपकी मीशत की कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगा, कोई कि खुद अपना मीशत दे। हम PTI IMF के उम्मीदवारों के रहनुमाओं पे होंगे और हम ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये PTI IMF की डील के मुखालफत की है। मेरे गवाह हो कि मैं जगह जगह जाके जब से पहले बजट से ही इंट्रोड्यूस किया है मैं इसका मुखालफत करता आ रहा हूं और आज भी करूंगा। हम इनको इतना फ्री हैंड नहीं देंगे कि वो जो भी जी चाहे मुआशी सतह पे वो कर ले और कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार ना हो। हम समझते हैं कि चाहे वो मुल्क का मजदूर हो, चाहे वो मुल्क का किसान हो, सफ़ेद पोश तबका हो, हमारा ताजिर बरदरी हो, सब सरापा एहतजाज है, सब तकलीफ में है, कोई उनके पूछने वाला नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आम सूरत हाल नहीं है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारा आलमी वबा है। और इस वक्त जो तीसरी लहर हमारे सामने उभर के आ रही है, इस तीसरी लहर के मुकाबला करने में के लिए पाकिस्तान बिल्कुल ही तैयार नहीं है। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारी वफाकी हुकूमत एक ढिठाई के साथ पता नहीं क्यों इस पॉलिसी पे है कि वो खुद आपके लिए, पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए वैक्सीन या वो दवाएं जो आखिरी जो सिर्फ ये एक ही इलाज है इस बीमारी के लिए, वो दवाएं हर पाकिस्तानी के लिए ख़रीदने को तैयार नहीं है। और हम वो वाहिद मुल्क है जो इस रीजन में है जो कोविड के मुकाबले करते हुए वैक्सीन की सूरत हाल में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हम हर ममालिक से वैक्सीन डिस्पर्सल में पीछे हैं। हम इन सारे ममालिक में से ना सिर्फ कोविड में पीछे हैं, ना सिर्फ वैक्सीनेशन में पीछे हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान एक जंग ज़दा ममालिक है और उस जंग ज़दा ममालिक का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आज पाकिस्तान से आगे हैं। वो जंग ज़दा अफगानिस्तान का जो अफगान महंगाई का शरह है, इन्फ्लेशन रेट है, वो पाकिस्तान के पीछे हैं। मैं समझता हूँ कि ये शर्मनाक एक हकीकत है और कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का मुआशी शरह बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे हो। वजह अगर है तो सिर्फ ये है कि एक कठपुतली ज़बरदस्ती हम पे मसलत किया गया है जिसका ना सियासत का पता है, ना मईशत का पता है, ना हमारा तारीख का पता है और पाकिस्तान की रियासत को चला नहीं सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शौकत तरीन ने ये कहा है तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक नैब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। बाकी जमातों जो है वो अपने पॉलिसी नैब के बारे में वक्तन फ़वक्तन तब्दील कर देते हैं। जब उनके ऊपर केसेस होते तो नैब बुरा है, वैसे तो नैब बुरा नहीं है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नैब की बुनियाद से ले के आज तक एक ही बात कह रहा है कि एक काला कानून है, आमिर का बना हुआ कानून है, बना इसलिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और जो अवाम के नुमाइंदे हैं जो किसी का दबाव में नहीं आ रहे हैं, अपना पार्टी से वफादार है, उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके आंखों के सामने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2002 का इलेक्शन जीता तो पेट्रियट्स ग्रुप्स, पैरासाइट ग्रुप जो है वो नैब की अदारा ने बनाया था और वही रोल वो आज अपना रहे हैं। सदर जरदारी ने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान की मीशत और नैब साथ साथ नहीं चल सकता है और 3 साल बाद अब हर आदमी ये मानता है कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। मक्सी साहब, प्लीज आप फिर से शुरू कर दे। सॉरी, नहीं वो तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सी कुछ दिनों बाद मिलेगा, इस पर तफसीली तबसरा होगा। और जहाँ ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे लीडर्स और वर्कर्स हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहे कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है के साथ चलना मुश्किल होगा, लेकिन इन सारे के ख्यालात के बावजूद मैंने 3 साल अपना पूरा कोशिश किया कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए हम सारे जमातों के साथ मिल के चले और आज भी मैं चाहता हूँ और मैं अपना CEC में यही केस ले के जाऊँगा कि जो भी हमारा आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, अपोजिशन जमातों जो है वो आखिर इलेक्शंस में तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लगते हैं और अपने अपना मंशूर भी होता है, लेकिन हम नहीं चाहते जैसे अब हो रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये हुकूमत को, इस रिजीम को हम ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले। और वो इसलिए कि ऑपोजिशन ने इतना बड़ा कामयाबी हासिल करने के बाद कि इन 2-3 साल में पहली दफ़ा आपने इस रेजीम को शिकस्त दिलवाई। वैसे किसी को ये मौका ना मिला या हो नहीं सका कि इस रेजीम को एक मुकम्मल तौर पे जैसे आप कहे कि शिकस्त हो, और इससे बड़ा कोई शिकस्त नहीं हो सकती कि आप वज़ीर आज़म का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी